बताते हैं अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एहतियासाम अख्तर की शायरी को हकीकत में बदलना आसान नहीं है, खासकर उसके लिए जिसने कभी रोशनी का एहसास तक नहीं किया हो। इसके बाद भी उसने हजारों स्टूडेंट की आंखें खोल दी। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के विष्णु उपाध्याय की। ऑटो ड्राइवर के बेटे विष्णु ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास में 95.33% अंक हासिल किए हैं। कुछ कारणों से उसका रिजल्ट रुक गया था, लेकिन 3 दिन पहले उसे रिजल्ट मिला तो घर वालों की आंखों से आंसू नहीं रुके। राज्य भर में दिव्यांग श्रेणी में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट में तो विष्णु टॉपर की लिस्ट में है। विष्णु के मामा गौरव शर्मा बताते हैं कि किन्हीं कारणों से उसका रिजल्ट अन्य स्टूडेंट के साथ घोषित नहीं हो सका। 2 दिन पहले ही मार्कशीट मिली तो पता चला कि उसने 6 में से 5 सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा अंक लिए हैं। साइंस और मैथ में तो 99 अंक है, हिंदी में 96, सोशल साइंस में 94 और संस्कृत में 95 अंक है। अकेले अंग्रेजी में 89 मार्क्स। बीकानेर के दियात्रा गांव के जसराज के घर जब विष्णु का जन्म हुआ तो परिवार बेटे से खुश था। कुछ ही समय बाद पता चला कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वो जन्म से ही नेत्रहीन था। ऐसे में उसे पढ़ाना मुश्किल हो गया। 2री क्लास में उसे बीकानेर के सरकारी नेत्रहीन स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। तब से अब तक वो इसी स्कूल का छात्र है। अब तो उसके माता पिता भी दियात्रा से बीकानेर शहर में आ गए हैं। बेटा होशियार था, जल्दी पढ़ना सीख गया। अगर आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं और विष्णु को पढ़ते हुए सुनते हैं तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो दिव्यांग है। वो इतनी तेज गति से किताब पढ़ता है कि सामान्य छात्र भी नहीं पढ़ पाते। हिंदी माध्यम के छात्र विष्णु का कहना है कि ब्रेल पद्धति से ही वो पढ़ाई की हर जंग जीतते हुए एक दिन IAS बनना चाहता है। विष्णु के पिता जसराज ऑटो ड्राइवर हैं। वो चालक के रूप में अपने बेटे को सारी खुशियां तो नहीं दे सकते, लेकिन बेटे ने अपनी क्षमता से कई गुना खुशियां जसराज और माँ कमला को दी है। माँ बाप उसके रिजल्ट के बाद से बहुत खुश हैं। विष्णु क्रिकेट का शौकीन है, ब्रेल गेज से वो अच्छा क्रिकेट खेल लेता है। इतना ही नहीं, उसे क्रिकेट के बारे में भी जानकारी भी अच्छी खासी है। धोनी और विराट कोहली का वो फैन है। स्कूल प्रिंसिपल अल्ताफ अहमद खान बताते हैं कि विष्णु काफी होनहार है। प्रदेश भर के दिव्यांग छात्रों में उसका रिजल्ट टॉप ही रहा होगा, हालांकि अधिकृत रिपोर्ट नहीं आई है। प्रदेश में नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने के लिए महज 4 स्कूल हैं। इसमें बीकानेर के अलावा जोधपुर, अजमेर व उदयपुर में भी नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल हैं। वहीं कुछ निजी संस्थाएं भी नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने का काम कर रही हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद, उनका सहयोग और माता पिताओं के आशीर्वाद से मैंने ये अंक प्राप्त किए।